हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग मैं अपने स्टोर में शुरू कर रहा हूँ और आज स्टोर का मुझे पेंट वेंट हो चुका है। आप देख सकते हैं पेंट कर होने के बाद कितना अच्छा लग रहा है और काफी चीज साफ हो चुकी है। अब मेरे को केवल साफ करके उनमें सामान लगाना है और ये सब फर्श में पेंट वेंट सब है, तो इस पत्ती से मुझे रंग रंग के छुटाना है। तो मैं ज्यादा पहले पेंट छुटाता हूँ और कैसे, तो आपको ब्लॉग देखने में पूरा मजा आएगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साफ हो चुका है और बस आप आगे इस कपड़े से और गर्म पीले पानी से इसको पोंछ देना है, क्योंकि इसमें भी जो धूल जमी है ना उसको भी साफ करके फिर सामान भी रखना है। आपको सामान दिखा तो पीछे बाहर रखा हुआ है, ये सब सामान आप देख रहे हैं, सब मुझे यहाँ पे सामान लगाना है, ऊपर और यहाँ पूरे लगाना है सामान। तो जल्दी सफाई करता हूँ क्योंकि लागत ज्यादा देर रात कर दूंगा ना मम्मी से डांट पड़ेगी और ज्यादा स्टोर में सामान नहीं है, जल्दी लग जाएगा। तो पहले जल्दी सामान लगाता हूँ। तो मैंने अपना 60% सामान लगा चुका है, आप देख सकते हैं पीछे को एक ऊपर की रैक और ये रैक और ऊपर सामान मैंने सब भर दिया है और इधर के जो जितना भी सामान था पूरा मेरा फिल खाली हो चुका है। अच्छा भी लग रहा है देखने में, खाली हो गया है और 60% मेरा सामान कंप्लीट हो चुका है। जो 10% इधर बचा हुआ है और 10% इधर बचा है जो लगाना है। तो पहले मैं इधर की सफाई करूंगा और फिर इस साइड की सफाई करके फिर मैं बीच में पोछा मार दूंगा, पूरा चकाचक कर दूंगा, क्योंकि अच्छा रहना चाहिए और गंदगी हो जाती है ना फिर किस करता है दांत में, अच्छा भी नहीं लगता है। तो जल्दी से मैं सामान लगाता हूँ और नाश्ते में आज मेरी फेवरेट लोबिया की सब्जी बनी है, मैं भूख भी लग रही बहुत है, जल्दी से काम निपटाता हूँ। तो मैंने 100% पूरा सामान लगा लिया है, तो ग्रेट सक्सेस। तो आप देख सकते हैं ऊपर तो आपको दिखाया था, नीचे का इधर सामान शिफ्ट हो गया और ये इधर सामान शिफ्ट हो गया। बस इधर का मैं खड़ा हूँ, इधर का मुझे पोछा लगाना है, पूरा ये स्टोर साफ सुथरा हो जाएगा। सही से सामान लग गया और मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है और लोबिया की सब्जी बनी है, मुझे वो बहुत मन कर रहा है जल्दी से जाके खाऊं। तो अभी कैसे खा सकता हूँ, जल्दी से पोछा लगा के तभी खाने को मिलेगा। और अभी फोन आया था मुझे, थोड़ा सा काम से बाहर भी जाना है, तो आपसे फिर हो सकता है अभी ब्लॉग में एंड भी कर सकता हूँ, फिर सुबह यही से मैं ब्लॉग शूट भी कर दूँ सुबह टाइम। तो ये और ये भी हो सकता है मैं ब्लॉग एंड ना कर पाऊँ तो सुबह ही स्टार्ट कर दूँ ब्लॉग, देखते हैं क्या होता है। तो अभी जल्दी से काम निपटाते हैं। जिस काम से गया था दोस्त के साथ, तो वो बोला था ज़्यादा टाइम लगेगा, तो यार हो सकता है एक भी बज जाए या दो भी बज जाए। वहाँ पहुँचे, वहाँ काम तुरंत हो गया, टाइम भी नहीं लगा, 5-10 मिनट में काम हो गया। उसके बाद मैं घर पे आया, फिर मम्मी ने कहा यार खाना बना हुआ है, हाथ मत धो लो, खाना बना खा लो। तब खाना पे हाथ मुँह धोया, जल्दी से खाना बना खा दिया। उसके बाद दूध गर्म कर दिया मम्मी ने, वो पी लिया, थोड़ी देर टीवी देख लिया, फिर सोचा लो यार रील की एडिटिंग करनी है, रील की एडिटिंग करके भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया है। और एक मस्त रील आपके पास आने वाली है डांस वाली, देखता हूँ मैं वो जब टाइम मिलेगा मैं वो रील बनाऊंगा और आपको भी इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगी। साइड में मेरा इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही होगी, तो प्लीज जाके उसको फॉलो कर लीजिएगा, आपको एक बेहतरीन डांस मिलने वाला है आपको उसमें। कैसा डांस है मैंने किया मुझे नहीं पता, आप अगर जो डांस मैंने अच्छा है या बुरा है तो प्लीज कमेंट कर जरूर बताएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो जैसे मैं रूम में आया उसके बाद मेरे को एकदम से मच्छर टाइप के इतने सारे हो गए गुनगुन करने के, किधर से यहाँ काट रहे हैं, कभी पैन में काट रहे हैं, तो एकदम से चलन टाइप स्विच बंद दिया है, तो चलन टाइप होने स्टार्ट हो गई। तो मैंने क्या किया, ऑल आउट लगाता हूँ तो मेरे को एकदम से धुआं बढ़ जाता है मुँह में और थोड़ा सा अच्छा नहीं तो तेज होती है, इसलिए मैंने यहाँ पीछे आप देख सकते हो ऑल आउट जला दिया है, तो इसको जला दिया है, अब मच्छर नहीं आएंगे।
मेरे को बहुत ही नींद हरी है क्योंकि सुबह जल्दी उठा था और समय मुझे पता नहीं क्यों बहुत तेज नींद आ गई। वैसे मैं 1-2 बजे सोता था और नींद अभी से आना स्टार्ट हो गई है, तो मैं ज्यादा व्लॉग शूट नहीं कर पाऊंगा। आपसे कल मिलता हूँ, तो चलिए गुड नाइट। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो आज तो जल्दी से उठा और जल्दी से नहाया धोया, मम्मी को छोड़ के आया हूँ और साथ में अभी गया था ब्रश लेने और ये पेंट, ब्लैक पेंट लेने 1 लीटर, क्योंकि अभी हमको आपके पीछे एक ग्रिल दिख रही होगी, इसमें ब्लैक पुतवाना है और ये पीछे गेट में ब्लैक करवाना है। तो पेंट का काम चल ही रहा था, आज होगा पेंट का काम, उसके बाद मेरे सिस्टर लोग आ जाएंगे, फिर काम बंद हो जाएगा। जब सिस्टर लोग चले जाएंगे फिर थोड़ा काम जो बचेगा वो बाद में अपने हाथों से हम लोग कर लेंगे। नाश्ते में बहुत बढ़िया चीज़ बनी है, उबले हुए चने हैं, उसमें मैंने टमाटर, प्याज और मिर्चा डाल लिया है और थोड़ा सा नमक। खाने में एकदम टेस्टी लगता है ना, आप भी ट्राई करिएगा। उबले हुए चने, उसमें से नमक, मिर्चा, प्याज डाल के और टमाटर डाल के खा लीजिए, मजा आएगा। आप उबले हुए चने खाएंगे ना, आपके लिए पेट के लिए सही रहेगा, आपके हेल्थ के लिए भी सही रहेगा। तो एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा उबले चने खाने की। और साथ में चाय बना के ले आया हूँ, तो चाय भी पीता हूँ साथ में नाश्ता करता हूँ। चलिए कुछ बढ़िया चीज लेके जा रहा हूँ, उनको भी पिला देंगे और जो छोटे छोटे पिल्ले हैं वो भी पी लेंगे। तो इधर से आयरिस देख रही है भैया क्या लेके जा रहे हैं। भाई आयरिस तुम्हारे लिए नहीं है, ये इन डॉग्स के लिए, बाद में तुमको देंगे ला के, ठीक है बिस्किट छोटू। और इधर से पिल्ले रेडी हैं पीने के लिए, रेडी हो छोटू? ये देखो भैया मांगे पड़े हैं। कटोरा नहीं है वरना इसमें डाल देके पिला देते। ये लो कटोरा, पिल्ली है ना पिल्ले, ये पिल्ले लो, ये सब कटोरा खेल खेल के इसको तानी कहाँ घुमा देते हैं, इस चक्कर में इसमें यहाँ डालना पड़ रहा है, वरना कटोरा होता तो डाल देता मैं इसमें। तुम तीन लोग पी रहे थे, हम मैं अकेले कैसे रखते हैं चौथे? ये छोटू हमसे कह रहे और दो, और नहीं है बाबू, जब मिलेगा तब तुमको देंगे। तो मैंने इसको भी बुलाया था, ये कहा नहीं वहाँ पे, एकदम सोने के मूड में और जैसा लग रहा है मैं तब सीधा साधा बच्चा हूँ ऐसे बैठा है। और इसको भी मैंने बुलाया था, ये वहाँ क्यों नहीं गया पता नहीं, और भूख नहीं लगी होगी, पेट भरा होगा। बाकी पीछे चारों पी रहे हैं आराम से, और ये उसके लिए मैं बाद में ले आऊंगा, अपना बाद में खाता पे अकेले इसको खिला दूंगा फिर। तो मैं अभी पापा और मैं साथ में आए थे, अपना पापा का चश्मा बनवाना था, तो पापा ले चलो हम चलते हैं देख लेंगे, और भूख ज़्यादा तो नहीं तो मैं देख बनवा भी लेंगे, या नया बनवाना तो नया भी बनवा लेंगे। तो मैं अपनी बाइक लेके आया हूँ और बगल में पीजीआई हॉस्पिटल है और साइड में फैमिली बाजार है, उसी के दोनों के बीच में आई आई वाली दुकान है चश्मे वाली, तो वहीं पर आए चश्मा बनवाने। तो देखते हैं बन जाता नहीं बन जाता या फिर नया बनवाना पड़ेगा। पापा अभी मार्केट से आए थे, हम चश्मा बनवाने गए थे, तो अभी आके देखे ये पिल्ले आराम से मजे सो रहे हैं, उधर उसकी मम्मा सो रही है और इधर हमारे छोटू सो रहे हैं। तो आइए छोटू से मुलाकात करते हैं, कैसी नींद आ रही है। अंगड़ाई पूरा लेने लगे, भाई साहब नींद आई अच्छी? नींद आ रही है? नींद आ रही है अच्छी? नींद देखो लो भैया मालिश कर लो, हमारी लो मालिश कर दे बाबू की, मालिश कर दे। नींद आ रही है बाबू? उसको नींद कह रही है मजे से आ रही है, और उसको कह रहा मालिश वालिश करो, उधर पिल्ले आराम से मजे सो रहे हैं। और ये भाई साहब